नमस्कार मु सोनाली एलआर एन आर क्लासेस को आपण मन को वेलकम करुच्छी। ताहले सप्तम श्रेणी पिला माने आज आमे तम बहीरो सोहळ अध्याय पढ़िबा। सोहळ अध्याय नाम कौन आमर जंगल संपद। तम मन तो समस्त जंगल देखि थिबो। जंगल केमती आमर हेथे बहुत गुडिये गच्छ निजे निजे आपे आपे माने उठिकी आमर गोटे जंगल सृष्टि होइथे। तापर कौन करथौ आम माने निजर आवश्यकता पूरण पई गच्छ लगैथौ। उद्भिद बढ़ला परे आमको से कौन खाद्य मिली थाए तो मनीष मैंने कौन करते शस्य उत्पादन चाष करते तो कहार चाष करते जमती कि बहुत प्रकार धान गहम तापर कपात आउ नलिता चिनाबादाम यू मनीष निजर खाद्य वस्त्र एवं अन्य आवश्यकता पूरण पाई चाष करे। तुमने देखि थो केतेक जगार आम गच्छ न लगे कि भी सीट बहुत सारा गच्छ उठी जाए एवं अन्य कतक जगार एत परिमाण गच्छ बढ़ी थाए जे बहुत दूर दूर पर्यंत ता व्यापी जाए तो से सबू को ही आमर जंगल बोली कहा जाए। जहाँ आपे आपे निजे निजे सृष्टि होइथिबो सही प्रकार परिस्थान को आमर जंगल बोली कहा जाए। तापर जंगल को आमर प्राकृतिक कारखाना बोली कहा जाए। प्राकृतिक कारखाना कौन पई कहा जाए कारण जंगल कौन करुछि मनुष्य समाज को अम्लजान जोगाइ थाए तेणु जंगल को आमर प्राकृतिक कारखाना कहा जाए। एबे आम मैंने कौन अम्लजान नहीं था अंगारकाम्ल छाड़ी था जदि किए भी से अंगारकाम्ल को ग्रहण करते कौन होता भाव तो वायुमंडल आमर पूरा अंगारकाम्ल जो रही तार मात्रा बढ़ी जाइ था तापर आम मैंने बंची रहा कष्टर हो जाता तो सबुज उद्भिद कौन करें अंगारकाम्ल को लेकिन सहित मटीर जल एवं सूर्यालोक शक्ति ये तीनोटी को मिसेकी स्वतसर जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथाय एवं तापरे जीवजगत को अम्लजान जोगाइ थाए। जदि उद्भिद न थांता ताहाले वायुमंडल रे आमर अंगारकाम्ल मात्रा बढ़ी जाइ थांता एवं आम माने बंची पारि न थांते। एवं उद्भिद खाली एटा नुहे आमको आउरे बहुत प्रकार साहाज्य करिथाय जेमते अनेक प्राणी कोन करथांते उद्भिद जंगल रे बास करथांते हां कि नै जमती चढ़ई तापर बाघ सिंह भालू ये सबूर बासस्थान हूँ जंगल। तापर जंगल आमको आउ कौन कौन मिलता है जमीक आमको खाद्य भी मिलला वस्त्र भी मिलता है सहित औषध भी मिलता है हाँ कि नहीं तो से हीपरी जमी पा पवन आलुओ यही सब पर जंगल आमपाई एक अमूल्य संपद। जंगल आमर मृत्तिका क्षय रोकी थाए जलर परिमाण बढ़ाई थाए जीवजगत को अम्लजान जोगाइ थाए औषध जोगाइ थाए अनेक प्राणी को निजर बासस्थान भाव रही दे थाए एवं आम मानक खाद्य वस्त्र यह सबू मिली थाए तेणु जंगल हेउछि गोटे अमूल्य संपद। प्राकृतिक संपद मध्य आम जहाँ व्यवहार कर सारापर कि से जो संपत्ति सरीगला पुनर्बार सृष्टि करा कि पुनर्बार आमको आउ के मिल पारना से सबू को आमर सरती प्राकृतिक संपद कहा जाए कारण से सबू सरीगला आमको आउ मिल उदाहरण आम जमती कि कोईला एवं खनिज तैल यही दुईटी संपद जदि आम सरी जाए तो आउ आम पुनर्बार यहाँ पाईपर ना एवं जो प्राकृतिक संपदर भरणा किंवा व्यवहार कर सारापर मध्य आमको पुनर्बार मिली थाए ताकूर असरती प्राकृतिक संपद बोली कहा जाए। जमीक आमर जंगल वायु जल यही तीनोटी जिनस तुमने देखा आमर के सर वायु आमर के सर कि सर एवं जलर मध्य जलचक्र द्वारा ता पुनर्बार सेमती सृष्टि हो चली उपर को बाष्प हो जंगल तो आमर उद्भिद आपे आपे सृष्टि होता है तो क्यों स्थान में पुनर्बार उद्भिद सब सृष्टि होमर जंगल सृष्टि तो ये तीनोटी हूँ आमर असरती प्राकृतिक संपद। एवं आमर जंगल तो तुमने देखु कि शुणी जंगल कौन गोटे प्रकार प्राणी कि उद्भिद बास करती कि ना जंगल आमर विभिन्न प्रकार उद्भिद एवं विभिन्न जातिर प्राणी पक्षी तापरे कीट पतंग ये समस्त रही था जमती कि बाघ भालू हरिण सिंह गोधी हाथी ये सब रही था सहित आम साप आहरी बहुत सारा कीट पतंग जमती कि रही था से माने भी रही था उद्भिद आमर अन्य अन्य प्रकार रही था जमती कि साल पियासल सगुआन तापर आउ नलिता कपा ये सब प्रकार उद्भिद सब मिसिकी कारण जंगल आमर के गोटे प्रकार प्राणी किंवा उद्भिद बास करें ना से समस्त मिसिकी रही था
जितिक भी आमर प्राणी किंबा उद्भिद जंगल रे बास करथांदे समस्तंकर खाद्य अभ्यास मध्ये विभिन्न प्रकार रो होइथाय हं कि नै समस्तंकर खाद्य मध्ये विभिन्न प्रकार रो होइथाय जेमति कि बाघ सिंह ए सब मांसाशय होइथांदी एवं हरिण आमर तृणभोजी माने कोन घास पत्र ए सब खाइकि रहिथाय तो एपरि भाबे समस्त प्राणी एवं उद्भिद भिन्न भिन्न प्रकार रो होइथांदी एवं सेमानकर खाद्य शैली मध्ये भिन्न भिन्न प्रकार रो होइथाय एबे आम देखिबा जंगल और प्राकृतिक भारसाम्य प्राकृतिक भारसाम्य माने कौन आम प्रकृति जो सब कार्य रही प्रकृतिर भारसाम्य जो रही तो मैंने देखु जंगल आम बहुत परिमाण में नष्ट होबार लगी बदल में घर कलकारखाना यह सबुर वृद्धि होबार लगी तेणु बर्षर अधिक वर्ष बन्या बात्या भूमिकंप यही प्रकार प्राकृतिक विपर्य सब बढ़िवार लगी हाँ कि नहीं जदि आम जंगल वृक्ष ये सब अधिक रसबूर परिमाण कमिज तब आम से देखा जे आम जंगल किपर भाव प्राकृतिक भारसाम्य जो रही था तहार संतुलन ठीक भाव रखी था तो प्रथम आम देखा जलचक्रे जंगल भूमिका जलचक्र मान आम कौन वर्षा जो होता है सहीटा पूरा तो से आम जंगल भूमिका कौन तो प्रथम तुम मैंने देख मटी माटी भितर आमर जल रही था हाँ कि नहीं तो माटी कौन है आमर उद्भिद सृष्टि उद्भिदर उच्छेदन प्रक्रिय आम जल कौन है जलीय बाष्प आकार रे ऊपर को गला एवं से जो जलीय बाष्प अधिक ठंडा कारण आम मेघरे परिणत है मेघर पुणी थर आम कौन है वर्षा सृष्टि वर्षा सृष्टि जल आकार पुणी थे मृत्तिका मान मटी आसिकी पड़ा तो बुझिपड़ ए पूरा जो आम रहा प्रोसेसटा से आमर जंगल द्वारा ही होता है जदि ये आम गा तेल मटीर जल को किए शोषण करता जलीय बाष्प आकार वायुमंडल को किए छाड़ी था तो यही पूरा प्रक्रिया आम हो पार नाता तो यही सब जड़े आउ जन सहित जड़ित अच्छा आमर जल मटी आसिकी उद्भिद सृष्टि है उद्भिदर उच्छेदन प्रक्रिय जलीय बाष्प आकार वायुमंडल को जाठी कौन है मेघ आकार वर्षा होल रूपए पुणी थे आम पाखक फेरिकी आसता है तो ये होम जलचक्रे जंगल भूमिका एवं देखा कौन जैविक उपादान आम जंगल भूमिका कौन रही है जैविक उपादान मानने जमीक विभिन्न मौलिक और जौगिक अंगारक सल्फर जवक्षारजान और विभिन्न धातव मौलिक जौगिक ये सब आम के रही था विभिन्न प्रकार आम सब मटी रही था जितकी भी सब जैविक उपादान हो कि मौलिक उपादान तो मटी कौन होता है जंगल आमर उद्भिद कि वृक्ष पाखक जाए से आम कौन होता है विभिन्न प्राणी और उद्भिद मृत शरीर प्राणी और उद्भिद जो मरी जाती से कौन होता है आम पड़ था कि नहीं मटी पड़ी रही था कौन होता है बैक्टेरिया किंवा कवक जो मैंने कि अपघटक से अपघटन करते तेणु से अपघटक कहुए बैक्टेरिया एवं कवक कौन करते सब मृत शरीर को अपघटन करवाद्वारा आमर यह सब आमको मिलता है जितेबाला प्राणी किंबा गोटे उद्भिद मरी जाए तापर अपघटक मानक द्वारा अपघटन हाबापर आमको विभिन्न प्रकार मौलिक जौगिक अंगारक सल्फर यह सब मिलता है यह क्योंठ पड़ता है आमर मटी मिस जाए कारण मृत शरीर मटी उपर पड़ था कि नहीं तो अपघटन हाबापर यह सब पदार्थ आमर मटी सहित मिसी जाए जितेबाला आम मटी पुणी थर उद्भिद कि जंगल सृष्टि होता है से प्रत्येक उद्भिद भितर को जाए पुणी थे पुनर्वार यह प्रक्रिया आमर आरंभ होता है अम्लजान और अंगारकाम चक्र जंगल भूमिका तो आम मैंने जो निश्वास प्रश्वास नहीं था त्याग करम्लजान और अंगारकाम को व्यवहार करमर जंगल भूमिका कौन से सब विषय मैंने पढ़ा तो आम जो अंगारकाम को त्याग कर बाहर को छाड़ी था किए नहीं था उद्भिद ग्रहण करें कौन पर श्वेतसार जितिय खाद्य प्रस्तुति तो उद्भिद आम से अंगारकाम को ग्रहण कर सारापर खाद्य प्रस्तुति रे व्यवहार करतापुर कौन होता है सी खाद्य प्रस्तुति कर सारापर आमको अम्लजान जगह थाए अम्लजान कौन करें वायु मिशी थाएं पुनर्वार आम श्वासक्रिय विनियोग होता है तो बुझिपार आम जहाँ जी अंगारकाम छाड़ी था
से सबको आमर उद्भिद ग्रहण करते से आम मैंने भल भाव बंची पारि था ना वायुमंडल अंगारकाम्ल मात्रा बढ़ी जाता कौन सी जीव निजर जीवनधारण करपारी नाता जदि आमर उद्भिद कि जंगल रही न था आम मैंने अंगारकाम्ल को छाड़ी था सहित उद्भिद से ही अंगारकाम्ल को ग्रहण कर मटीर जल सूर्यालोक शक्ति को विनियोग कर श्वेतसार जितिय खाद्य प्रस्तुत करंगारकाम्ल नहीं कि आमको अम्लजान जोगाई थाए अम्लजान जोगाइबा द्वारा आम जंगल को कौन बोली कह जाए प्राकृतिक कारखाना बोली कहुए आजिकल आमर कौन हो जो जंगल संपद ता नष्ट होबार लगलानी प्राय 80% जंगल आमर नष्ट हो सारानी आ रहा 20% तो जंगल जदि नष्ट ताहले कौन कौन असुविधा हम तुम तो ये अनुमान कर भिडटे देखिक आम मैंने मध्य कौन सी प्राणी आउ जी उद्भिद सब तो नष्ट ना ताहले कि भी बंची पार बहुत कष्टकर आमको खाद्य मिलवनी बासगृह मिलवनी वस्त्र मिलवनी ताफल आउ कौन भी जीव निजर जीवनधारण करना आम जंगल नष्ट कारण सब कौन कौन होता है जनसंख्या वृद्धि घर कलकारखाना यह सबूर वृद्धि चाष जमीर वृद्धि यह सब कारण आमर कौन होता है जंगल संपद सब नष्ट होबार लगी आम जंगल सुरक्षा किपर कर से विषय पढ़ा जंगल संपदर सुरक्षा किपर कर प्रति आम देश में बहुत प्रकार आईन प्रणयन करपरिक आम देश में जंगल सुरक्षापी जंगल नियम और जातीय जंगल नीति आईन प्रणयन हो दुईटी आईन द्वारा आमर केतेक नियम रखा जामती वन्यजंतु शिकार आम करना चमड़ा दात इत्यादि से मारिपर ना ये सबू कले से कठोर दंड मिल गछ काटिबो ना बुझे पड़ा यह सब नियम प्रणयन कर 1972 मसीह वन्यजीवन सुरक्षा आईन एवं कौन कर 1991 मसीह तार संशोधन करण से जो आईनटी आम प्रणयन करमर कि भूल रही जाता जोटा कि आम 1991 मसीह संशोधन करें देखिब आम जंगल बहुत प्रकार प्राणी बास करती आम जंगल नष्ट करदे से सब प्राणी मैंने कौन हे धीरे धीरे लोप पाइबा लगे एवं केतेज शिकार आशे मानते वन्य जीवजंतु को मार आशे गच्छ काटिद ताद्वारा जंगल नष्ट वन्य जो जीवजंतु आम रही था संख्या कम लगी था लोप पाई जंगल सुरक्षापी आम देश में 2000 सुधा 80 अधिक जातीय उद्यान 515 अभयारण्य 18 जीवमंडल संरक्षित संस्था आम कौन कर रही मानने रखा जा तो बुझा पड़ा एति सब आम नियम एवं नीति सब प्रणयन कर जंगल सुरक्षा करने कि खाली यही नीति नियम ये सब करदे आम जंगल सुरक्षा हो कि जंगल संपद नष्ट न हो कि बचिक रही से कौन करने को पड़ो मनुष्य समाज एवं प्रत्येक प्राणी को निजे निजे सचेतन हो पड़ कारण आम मैंने मनीष ही जंगल संपद को नष्ट करिथाय से कौनसी भी कारण पाए हो कौनसी भी आवश्यकता पूरण पाए हो मनुष्य ही दायी होता है कौन हाँपी जंगल संपद नष्ट तेणु मनुष्य जदि निजे सचेतन रजे सबू ठीक भाव बुझिकी कर जंगल संपद नष्ट एवं मनुष्य जदि सचेतन रहा जिते भी नीति नियम सब प्रणयन करने आमर जंगल संपद यहपर भाव नष्ट लगी आज विषय आमर ये सरला ये विषयटी पूरा तुमने देख लो कौटी भी जब किसी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन में जनइब पूरा भिडियोटी केमी लगला से कमेंट करके जनइब आउ ए भिडियो जितकी भी MCQ क्वेश्चन आंसर आउ नोट्स LRNR आप अपडेट अच्छी जो मानक नोट्स दरकार LRNR आप को जाकि तुमने नोट्स लिखिपार और क्वेश्चन आंसर सल्व जदि कर तुमको आगक आसुवा परीक्षा और ये विषय भितर जितकी भी क्वेश्चन आंसर अच्छे से सब कर सहज हम तेणु LRNR आप को जाकि MCQ क्वेश्चन आंसर और नोट्स फॉलो करो एवं किसी भी जब डाउट रोचे तो कमेंट करके जनाओ।